हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि वन दरोगा, पशुधन प्रसार अधिकारी, बीएससी, बीटेक एग्रीकल्चर, आईसीएआर, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे कृषि विज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी जा रही है। इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक बताए गए हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रक्षेत्र उपज फ्रॉम प्रोसीजर की प्रविष्टि एंट्री की जाती है। ऑप्शन है लॉग बुक, इन्वेंट्री बुक, फॉर्म स्टॉक रजिस्टर में, कैश बुक। तो सही उत्तर है इसका फॉर्म स्टॉक रजिस्टर में। तो यहाँ पे जो प्रश्न दे रखे हैं ये एग्रीकल्चर साइंस के एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित है, कृषि में जो अर्थशास्त्र होता है उससे संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रक्षेत्र उपज फॉर्म प्रोसीजर की प्रविष्टि एंट्री जो की जाती है वो फॉर्म स्टॉक रजिस्टर में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मूल्य सिद्धांत प्राइस थ्योरी भाग होता है। सही उत्तर है वृत्त अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का मूल्य सिद्धांत प्राइस थ्योरी भाग होता है, वो होता है वृत्त अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मूल्य सिद्धांत प्राइस थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स वृत्त अर्थशास्त्र का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सीमांत कृषक वह है, जिसके पास, सही उत्तर है 2.5 एकड़ तक जमीन है, 1 हेक्टेयर से कम। तो सीमांत कृषक वह होता है जिसके पास 2.5 एकड़ तक जमीन होती है जो कि 1 हेक्टेयर से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, नाबार्ड जो है ये एक आर्थिक संस्थान है, ऑप्शन दे रखे थे सामाजिक संस्थान, राजनीतिक संस्थान, आर्थिक संस्थान और शिक्षा संस्थान। नाबार्ड एक आर्थिक संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में भारत सरकार द्वारा पास किया गया। दूसरा कथन है, पूंजी उत्पत्ति का एक साधन है, बिना श्रम के पूंजी कार्य नहीं कर सकती। तीसरा कथन है, पूंजी उत्पादन का सबसे अधिक गतिशील साधन होता है। चौथा कथन है, कृषि एक उद्योग है, इसमें पूंजी का कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पे जो सही कथन है इसमें से 1, 2 और 3 सही है। पहला जो कथन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में भारत सरकार द्वारा पास किया गया, बहुत ही अच्छी जानकारी है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो था ये 1948 में भारत सरकार द्वारा पास किया गया था। दूसरा कथन, पूंजी उत्पत्ति का एक साधन है, बिना श्रम के पूंजी कार्य नहीं कर सकती। पूंजी जो होता है ये एक उत्पत्ति का साधन होता है और बिना श्रम के पूंजी कार्य नहीं कर सकती। तीसरा कथन है, पूंजी उत्पादन का सबसे अधिक गतिशील साधन होता है, ये तीनों कथन सही है। और चौथा कथन, कृषि एक उद्योग है, इसमें पूंजी का कोई महत्व नहीं होता, ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सीमांत उपज के शून्य ऋणात्मक होने पर उसका कुल उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है। सही उत्तर है कुल उपज घटती है। सीमांत उपज के शून्य ऋणात्मक होने पर उसका कुल उपज पर जो प्रभाव पड़ता है वो होता है, जो कुल उपज होती है वो घटती है। सीमांत उपज के शून्य ऋणात्मक होने पर उसका जो कुल उपज पर प्रभाव पड़ता है वो घटता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित प्रकार की बजटिंग में से आप कौन सी बजटिंग एक नए प्रक्षेत्र प्लानर के सुझाव में देंगे। यहाँ पे कुछ बजटिंग दे रखी है, इसमें से बताना है कौन सी बजटिंग एक नए प्रक्षेत्र प्लानर के सुझाव में देनी चाहिए। ऑप्शन ए इंटरप्राइज बजटिंग, ऑप्शन बी संपूर्ण बजटिंग, ऑप्शन सी आंशिक बजटिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है संपूर्ण बजटिंग। संपूर्ण बजटिंग जो होता है वो जो एक नए प्रक्षेत्र प्लानर के सुझाव में संपूर्ण बजटिंग दिया जाता है। क्वेश्चन था, निम्नलिखित प्रकार की बजटिंग में से आप कौन सी बजटिंग एक नए प्रक्षेत्र प्लानर के सुझाव में देंगे। सही उत्तर है संपूर्ण बजटिंग। एक नए प्रक्षेत्र प्लानर के सुझाव में संपूर्ण बजटिंग का सुझाव दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है,
सम सीमांत प्रतिफल का सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि सबसे अधिक मुनाफे के लिए कई संसाधनों को वहां उपयोग करना होगा जहां संयुत्तर सीमांत प्रतिफल अधिकतम है। सम सीमांत प्रतिफल का सिद्धांत, सम सीमांत प्रतिफल का जो सिद्धांत होता है वह यह व्यक्त करता है कि सबसे अधिक मुनाफे के लिए कई संसाधनों को वहां उपयोग करना होगा जहां सीमांत प्रतिफल अधिकतम है। जो सम सीमांत प्रतिफल का सिद्धांत है वो यह व्यक्त करता है कि सबसे अधिक मुनाफे के लिए कई संसाधनों को वहां उपयोग करना होगा जहां सीमांत प्रतिफल अधिकतम है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित आर्थिक सिद्धांतों में से कौन सा एक किसान को अपने सीमित साधन दो भिन्न उद्यमों में लगाने में मदद करता है। यहाँ पे कुछ आर्थिक सिद्धांत दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा एक सिद्धांत को अपने सीमित साधन दो भिन्न उद्यमों में लगाने में मदद करता है। ऑप्शन ए परिवर्तनीय अनुपातों का नियम, ऑप्शन बी तुलनात्मक लाभों का नियम, ऑप्शन सी सम सीमांत प्रतिफलों का नियम, ऑप्शन डी स्थिर और परिवर्तनीय लागतों का सिद्धांत। सही उत्तर है सम सीमांत प्रतिफलों का नियम। सम सीमांत प्रतिफलों का नियम जो है, ये जो आर्थिक सिद्धांत होता है ये किसान को अपने सीमित साधन दो भिन्न उद्योगों में लगाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कथन दे रखे हैं, पहला है सम लागत रेखाएं सदैव ऋतु रेखाएं होती हैं, दूसरा है सुदूर दाई ओर की सम लागत रेखाएं ऊंची लागत व्यक्त करती हैं और बाई ओर के निकट की सम लागत रेखाएं नीची लागत व्यक्त करती हैं, तीसरा कथन है सम लागत रेखा की प्रवणता एक निवेश के मूल्य और दूसरे निवेश के मूल्य के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, सम लागत रेखा के गुणों में शामिल होंगे। सही उत्तर है दूसरा और तीसरा। तो सम लागत के जो गुणों में शामिल होंगे ये दूसरा कथन, सुदूर दाई ओर की सम लागत रेखाएं ऊंची लागत व्यक्त करती हैं और बाई ओर के निकट की सम लागत रेखाएं नीची लागत व्यक्त करती हैं, तीसरा कथन सम लागत रेखा की प्रवणता एक निवेश के मूल्य और दूसरे निवेश के मूल्य के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है। ये जो दोनों कथन है ये सम लागत रेखा के गुणों में शामिल होंगे, और जो पहला कथन है सम लागत रेखाएं सदैव ऋतु रेखाएं होती हैं, ये जो कथन है ये सम लागत रेखा के गुणों में शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि उत्पादन फलन घात एक का समघाती है तो उत्पाद की प्रत्याशितता माप होगी। सही उत्तर है एक के बराबर। यदि उत्पादन फलन घात एक का समघाती है तो उत्पाद की प्रत्याशितता माप एक के बराबर होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि उत्पादन फलन घात एक का समघाती है तो उत्पाद की प्रत्याशितता माप एक के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि तकनीकी प्रगति से श्रम उत्पादकता में 5% की बढ़त होती है तो वेतन दर में 5% की वृद्धि का अर्थ होगा कि। सही उत्तर है प्रति इकाई लाभ निरपवाद रूप से गिरेगा। यदि तकनीकी प्रगति से श्रम उत्पादकता में 5% की बढ़त होती है तो वेतन दर में 5% की वृद्धि का अर्थ यह होगा कि प्रति इकाई लाभ निरपवाद रूप से गिरेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भूमि विकास बैंक एक भाग है, सही उत्तर है सहकारी बैंकों का। भूमि विकास बैंक सहकारी बैंकों का एक भाग है, भूमि विकास बैंक जो है ये एक सहकारी बैंकों का भाग है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं, कोई स्वकृषित जोत वह होती है जिसमें कृषि उत्पादन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से प्रयुक्त होने वाली सभी जमीन शामिल हो। स्वकृषित जोतों के आकार में बढ़त का मुख्य कारण है। यहाँ पे जो कथन दे रखा था, कोई जो स्वकृषित जोत वह होती है जिसमें कृषि उत्पादन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से प्रयुक्त होने वाली सभी जमीन शामिल हो। स्वकृषित जोतों के आकार में बढ़त का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन वन है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, सेकेंड भूमि उद्धार की स्कीमें, थर्ड जोतों की चकबंदी। ऊपर दिए गए कथनों में से सही कथन है, सही उत्तर है एक और तीन, पहला और तीसरा कथन सही है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और जोतों की चकबंदी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, कोई जो स्वकृषित जोत वह होती है जिसमें कृषि उत्पादन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से प्रयुक्त होने वाली सभी जमीन शामिल हो। जो स्वकृषित जोत होती है वह होती है जिसमें कृषि उत्पादन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से प्रयुक्त होने वाली सभी जमीन शामिल होती है। स्वकृषित जोतों के आकार में बढ़त का मुख्य कारण सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और जोतों की चकबंदी होती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, आर्थिक वृद्धि का अर्थ है
सही उत्तर है अधिक आउटपुट। आर्थिक वृद्धि का जो अर्थ होता है, ऑप्शन दे रखे थे ए अधिक संसाधन, बी कम संसाधन, सी अधिक आउटपुट, डी कम आउटपुट। सही उत्तर है अधिक आउटपुट, आउट अप। आर्थिक वृद्धि का जो अर्थ है वो है अधिक आउट अप, आउट अप दे रखा है, पहले मैंने आउटपुट पढ़ दिया था तो आउट अप है। आर्थिक वृद्धि का जो अर्थ होता है वो होता है अधिक आउट अप। क्वेश्चन नंबर 66 है, सूची एक निर्णय को सूची दो तकनीकी में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची एक में निर्णय है और सूची दो में तकनीकी है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन का मेल करना है। सूची एक सूची एक में निर्णय है और सूची दो में तकनीकी। पहला ए पे है पूंजी निवेश, इसका सही मेल है न्यूनतम व्यय संयोजन। बी पे संसाधन उपयोग का आर्थिक दृष्टि से अनुकूलतम स्तर, सही इसका मैच है वापस भुगतान की अवधि। सी पे फार्म आकार किफायतें, सही मैच है रैखिक क्रमादेशन। डी पे है सीमित संसाधनों में अनुकूलतम, सही मैच है इसका औसत लागत वक्र संयोजन। तो इसका जो सही ऑप्शन था डी था, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। एक बार मैं फिर पढ़ से बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 66 में सूची एक में निर्णय और सूची दो में तकनीकी है, इसका सही मेल करना है। तो पूंजी निवेश का सही मेल है न्यूनतम व्यय संयोजन, संसाधन उपयोग का आर्थिक दृष्टि से अनुकूलतम स्तर, इसका जो सही मैच है यह है वापस भुगतान की अवधि। सी पे फार्म आकार किफायतें, सही मैच है रैखिक क्रमादेशन। डी पे सीमित संसाधनों में अनुकूलतम, सही मैच है औसत लागत वक्र उद्यम संयोजन। क्वेश्चन नंबर 67 है, मिश्रित कृषि में सकल फार्म आय में पशुधन का योगदान है, सही उत्तर है कम से कम 10%। मिश्रित कृषि में सकल फार्म आय में पशुधन का योगदान कम से कम 10% है। मिश्रित कृषि जो है उसमें सकल फार्म आय में पशुधन का जो योगदान है वो कम से कम 10% है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। कुछ यहाँ पे युग्म दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है। ए पे सामान्य लागत, इसका जो युग्म दे रखा है परिवर्ती संसाधनों से संबंधित लागत। बी पे औसत लागत, युग्म दे रखा है प्रतिफलों और लागतों का अध्ययन। सी पे सीमांत लागत, उत्पाद की अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए अतिरिक्त लागत। डी पे मूल लागत, इसका मैच दे रखा है नियत संसाधनों से संबंधित लागत। इसमें से औसत लागत, प्रतिफलों और लागतों का अध्ययन, ये जो कथन है ये सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 69 है, संसाधनों की कमी होने पर नीचे दिए गए सिद्धांतों में से कौन सा एक उत्पादन से काम में लाया जाता है। जब संसाधन की कमी होती है तो यहाँ पे जो कुछ सिद्धांत दे रखे हैं इसमें से बताना है कौन सा एक उत्पादन से काम में लाया जाता है। ऑप्शन ए वर्धित लागत वर्धित प्रतिफलों के बराबर है, बी सम सीमांत सिद्धांत, सी तुलनात्मक लाभ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी तुलनात्मक लाभ। संसाधनों की कमी होने पर तुलनात्मक लाभ का जो सिद्धांत है ये उत्पादन से काम में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, फार्म उत्पादन की विविधता से किसानों को निम्नलिखित के स्थिरीकरण के कारण से सहायता मिलती है। जो फार्म उत्पादन की विविधता होती है उससे किसानों को, जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से बताना है इनमें से स्थिरीकरण के कारण से सहायता मिलती है। ऑप्शन वन कृषि मूल्य, ऑप्शन सेकंड फार्म आय, ऑप्शन थर्ड कृषि उत्पादन। सही ऑप्शन है 1, 2 और 3। फार्म उत्पादन की विविधता से किसानों को कृषि मूल्य, फार्म आय और कृषि उत्पादन के स्थिरीकरण के कारण से सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, लीनियर प्रोग्रामिंग कब निरर्थक साबित होता है। सही उत्तर है संपूर्ण लागत आगत एवं निश्चित मूल्य। लीनियर प्रोग्रामिंग जो होता है ये निरर्थक तब साबित होता है जब संपूर्ण लागत आगत एवं निश्चय मूल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, वैकल्पिक फार्म योजना के अंतर्गत फार्म पर तैयार करते हैं। सही उत्तर है मुर्गी पालन मत्स्य पालन। वैकल्पिक फार्म योजना के अंतर्गत फार्म पर मुर्गी पालन और मत्स्य पालन को तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, लीनियर प्रोग्रामिंग के द्वारा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सही उत्तर है अधिकतम। लीनियर प्रोग्रामिंग के द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रक्षेत्र प्रबंध के विश्लेषण हेतु कितने उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। सही उत्तर है 3। प्रक्षेत्र प्रबंध के विश्लेषण हेतु 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, फार्म पर अचल लागत है। सही उत्तर है लगान टैक्स भूमि का किराया। फार्म पर जो अचल लागत होती है वो होती है लगान टैक्स और भूमि का किराया।
क्वेश्चन नंबर 76 है प्रक्षेत्र प्रबंधन एक है, सही उत्तर है सूक्ष्म इकाई। प्रक्षेत्र प्रबंधन एक सूक्ष्म इकाई है, प्रक्षेत्र प्रबंधन जो है वो एक सूक्ष्म इकाई है। क्वेश्चन नंबर 77 है फार्म पर चल लागत है, सही उत्तर है मानव श्रम, बीज, खाद और सिंचाई। फार्म पर चल लागत होता है मानव श्रम, बीज, खाद और सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्नलिखित में से कौन सी एक ICAR द्वारा किसानों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए चलाई गई विशेष योजना है। यहाँ पे कुछ योजनाएं दे रखी है, इसमें से बताना है कौन सी एक योजना ICAR द्वारा किसानों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए चलाई गई विशेष योजना है। ऑप्शन ए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं, बी सक्रियात्मक अनुसंधान परियोजना, सी प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम, डी राष्ट्रीय निदर्शन कार्यक्रम। सही उत्तर है प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम। प्रयोगशाला से खेत तक जो कार्यक्रम है ये ICAR द्वारा किसानों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए चलाई गई विशेष योजना है। क्वेश्चन नंबर 79 है भारतीय कृषि के क्षेत्र में निम्नलिखित संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन वन नाबार्ड, सेकेंड कृषि मूल्य आयोग, थर्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चार नाफेड। सही उत्तर ऑप्शन डी है पहले पे, दूसरा कृषि मूल्य आयोग। भारतीय कृषि के क्षेत्र में जो संगठन है उसमें से जो महत्वपूर्ण भूमिका है सबसे पहले कृषि मूल्य आयोग की, इसके बाद नाफेड की, इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की और इसके बाद नाबार्ड की। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है। भारतीय कृषि के क्षेत्र में जो संगठन है उसमें से जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है कृषि मूल्य आयोग की, इसके बाद नाफेड की, इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की और इसके बाद नाबार्ड की। क्वेश्चन नंबर 80 है भारतीय किसानों की सभी श्रेणियां सस्य पालन के भौगोलिक विकास के प्रति अधिक सचेत हो रही हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका मुख्य कारण है। सही उत्तर है उच्च श्रम दक्षता। भारतीय किसानों की सभी श्रेणियां सस्य पालन के भौगोलिक विकास के प्रति अधिक सचेत हो रही हैं, इसका जो मुख्य कारण है वो है उच्च श्रम दक्षता। क्वेश्चन नंबर 81 है सूची एक सिद्धांत को सूची दो लेखक में से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में सिद्धांत दे रखे हैं और सूची दो में लेखक, इनको सही सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। सूची एक में सिद्धांत है और सूची दो में लेखक। ए पे जो सिद्धांत है ये है कीमत परिवर्तन का प्रतिस्थापन प्रभाव, इसके जो लेखक हैं ये हैं रिकार्डो। बी पे सिद्धांत है किराए का सिद्धांत, इसके लेखक हैं इस्टल स्लेटस्की। सी पे तरलता अधिमान सिद्धांत, लेखक हैं सैम्यूल लसन। डी पे प्रकाशित अधिमान सिद्धांत, इसके लेखक हैं किनीज। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं सूची एक में सिद्धांत है और सूची दो में लेखक। सूची एक में जो पहला सिद्धांत है ये है कीमत परिवर्तन का प्रतिस्थापन प्रभाव, इसके लेखक हैं रिकार्डो। बी पे किराए का सिद्धांत, लेखक है स्टल्टस्की। सी पे तरलता अधिमान सिद्धांत, लेखक हैं सैम्यूलसन। डी पे प्रकाशित अधिमान सिद्धांत, लेखक हैं किनीज। क्वेश्चन नंबर 82 है निवेश और बहिर्वेश संबंधित है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। निम्नलिखित उत्पादन फलों में से कौन सा एक इस समीकरण से संबंधित है। सही उत्तर इसका कॉब डगलस। निवेश और बहिर्वेश संबंधित है, निवेश और बहिर्वेश का सूत्र होता है y बराबर ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो उत्पादन फलन दे रखे हैं इसमें से कॉब डगलस इस समीकरण से संबंधित है। तो ये कॉब डगलस का समीकरण है y बराबर ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 83 है पूंजी की कमी की स्थिति में जब पूंजी का नियंत्रित वितरण करना पड़े और भविष्य में अधिक पूंजी लगानी हो तो परियोजन की उपयुक्तता के आकलन के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है। सही उत्तर है लाभ लागत अनुपात। पूंजी की कमी की स्थिति में जब पूंजी का नियंत्रित वितरण करना पड़े और भविष्य में अधिक पूंजी लगानी हो तो परियोजन की उपयुक्तता के आकलन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त उपाय लाभ लागत अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 84 है कृषि प्रणाली की धारणा की सर्वोत्तम व्याख्या होती है। सही उत्तर है विविध सस्योत्पादन दृष्टिकोण से। कृषि लागत की धारणा की सर्वोत्तम व्याख्या विविध सस्योत्पादन दृष्टिकोण से होती है। क्वेश्चन नंबर 85 है प्रतियोगी उद्यमी संबंध में दो उत्पादों
का इष्टतम संयोजन निकालते समय उत्पादों के प्रतिस्थापन की सीमांत दर बराबर होगी सही उत्तर है प्रतिस्थापित उत्पाद की इकाइयों की संख्या के बटा वर्धित मूल्य की इकाइयों की संख्या। प्रतियोगी उद्यमीय संबंध में दो उत्पादों का इष्टतम संयोजन निकालते समय उत्पादों के प्रतिस्थापन की सीमांत दर प्रतिस्थापित उत्पाद की इकाइयों की संख्या बटा वर्धित मूल्य की इकाइयों की संख्या के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 86 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ए पे है समोत्पाद वक्र, इसका सही सुमेलित है बजट से। बी पे कटक रेखा, सही सुमेलित है शून्य सीमांत प्रतिस्थापन दर। सी पे शून्य सीमांत उत्पाद, सही सुमेलित है अधिकतम उत्पादक। डी पे समान लागत रेखा, सही सुमेलित है न्यूनतम मूल्य का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 87 है किसी फार्म से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। कुछ आंकड़े दे रखे हैं, कुल परिसंपत्तियां 12,000, कार्यशील परिसंपत्तियां 3,200, चालू परिसंपत्तियां 6,000, चालू देयताएं 1,800, कुल देयता 3,600। इस उदाहरण में निबल पूंजी अनुपात होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए है 2.0। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं, फार्म के बजटों का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, फार्म के अंदर या उनके बीच विविध उत्पादन क्रियाओं की आर्थिक लाभप्रदता की तुलना करने में जो फार्म के बजट है उसका जो उपयोग किया जाता है वो फार्म के अंदर या उनके बीच विविध उत्पादन क्रियाओं की आर्थिक लाभप्रदता की तुलना करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है विविध खेती एक प्रकार है। सही उत्तर है खेती के प्रकार, विविध खेती खेती के प्रकार का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नलिखित में से कौन खेती का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए शुष्क खेती, ऑप्शन बी रेंचिंग, ऑप्शन सी संयुक्त खेती, ऑप्शन डी मिश्रित खेती। सही उत्तर है संयुक्त खेती, संयुक्त खेती जो है ये खेती का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 है इंडियन फार्मिंग कहाँ से प्रकाशित होती है। सही उत्तर है ICAR, इंडियन फार्मिंग जो है ये ICAR से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 92 है केंद्रीय एगमार्क लैब कहाँ स्थित है। सही उत्तर है नागपुर, केंद्रीय एगमार्क लैब नागपुर में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केंद्रीय एगमार्क लैब जो है ये नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 है IBRD किसका समानार्थी है। सही उत्तर है विश्व व्यापार संघ, IBRD विश्व व्यापार संघ का समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 94 है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। सही उत्तर है 1935 में, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का भारतीय गवर्नर है। यहाँ पे कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का भारतीय गवर्नर है। ऑप्शन ए CD देशमुख, बी सचिंद्र राय, सी एस मुखर्जी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है CD देशमुख, CD देशमुख जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 96 है भारत का प्रथम बैंक किस वर्ष में स्थापित किया गया था। सही उत्तर है 1806 में, भारत का प्रथम बैंक 1806 जो वर्ष है उसमें स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97 प्रथम भारतीय बैंक था। सही उत्तर है प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया, प्रथम भारतीय बैंक प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया था। क्वेश्चन नंबर 98 एक्जिम बैंक स्थापित किया गया था। सही उत्तर है 1982 में, एक्जिम बैंक 1982 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 आय कर है। सही उत्तर है प्रत्यक्ष कर, आय कर एक प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 100 है सन 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सही उत्तर है 14, सन 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस वीडियो में कृषि विज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वन दरोगा, पशुधन प्रसार अधिकारी, BSc BTech, एग्रीकल्चर एग्जाम, ICAR एंट्रेंस एग्जाम, वीडियो, SSC, रेलवे, IAS, PCS, PET, ग्रुप सी, ग्रुप डी आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की स्टडी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।